सब्सक्राइब कीजिए कुमार टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हर वक्त। पहले वीडियो को इस तरह से शूट कीजिए, फिर नेक्स्ट शॉट में इस तरह से, फिर इस शॉट में आपको मैक्रो शॉट में एक ब्लैंक शूट करना है और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन में इस तरह से शूट कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों काइनमास्टर ओपन करना है हमें। काइनमास्टर जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और एम्प्टी प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट करना है। वीडियो में आपको जैसे बताया था वैसे शूट कर लीजिए। मीडिया पे क्लिक करना है अभी, उसके बाद मैं इस फोल्डर पे जाऊंगा। इस फोल्डर में मैंने वो सारे शॉट्स रखे हैं, तो पहले वाले शॉट को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि है ये वाला। तो मैंने ये शॉट सिलेक्ट किया, मैं आपको चलिए करके दिखाता हूँ स्ट्रेच करके। तो ये शॉट आप भी शूट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है वीडियो में, और ट्राई कीजिए ओपन कैमरा से शूट करने की, क्योंकि उसमें पॉज ऑप्शन देता है, ठीक है, अगर आपके डिफ़ॉल्ट मोबाइल में नहीं है तो। वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से शूट किया, यहाँ पर घड़ी को टच करके पॉज किया और बाकी का रेस्ट हिसा के फिर से रिज्यूम करके उसको शूट कर लिया, तो मुझे इस तरह का एक वीडियो मिल गया और वीडियो को मैंने ट्राईपॉड से शूट किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक यहाँ पर आना है जहाँ पर मैं घड़ी को टच करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेच करके मैं देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर घड़ी के पास टच करके नेक्स्ट फ्रेम में देखता हूँ कि ये कट रहा है, तो मुझे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है कैप्चर एंड सेव फ्रेम एंड एट प्लेहेड पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए आ गया यहाँ पर स्क्रीनशॉट, मुझे होम बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद जाना है मुझे पिक्सेल प्रो पे, ठीक है। पिक्सेल प्रो बहुत ईजी रहता है, फिट हो जाता है अब सिंपली से। तो ऐसे मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको नॉर्मल पे सेट कीजिए। नॉर्मल पे सेट करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट में क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके पेंट मास्क सिलेक्शन सेट करना है, उसके बाद मास्क पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए, फिर पूरे के पूरे को ग्रीन कलर में से कर दीजिए सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के। ये मैं स्पीड में दिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्लियरली कटआउट होना चाहिए। उसके बाद ये होने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, मेक ट्रांसपेरेंट कर देना है और उसको टिक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं टिक पे क्लिक करना है और उसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब उसको सेव पिक्चर टू एल्बम करना है और कैप्चर मतलब उसी के फोल्डर में सेव कर देना है। ये आ गया, देख सकते हैं दोस्तों ये कटआउट है क्लीनली। तो अब चलेंगे हमारे काइनमास्टर में। काइनमास्टर जैसे ओपन करेंगे उसी पॉइंट पर आ गया, और उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सीजर वाला आइकन है उस पर हमें अभी क्लिक करना है ताकि इसको दो हिस्सों में बांट दें और स्प्लिटेड प्लेहेड कर देना है। अब चाहें तो वैसे ना करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको सेट किया ब्लैंक और इसके डिवाइड मतलब टू पोर्शन में, और स्प्लिटेड प्लेहेड पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसको मतलब ठीक पोजीशन में लाएंगे स्प्लिट हेड कर देना है, देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और इधर साइड में ले लेता हूँ, और हमें क्लियर पे क्लिक करना है दोस्तों। देख सकते हैं ये आ गया, हमें पॉइंटर को यहाँ पर रखना है, जो रेड वाला मतलब पॉइंट है इसको पॉइंटर कहते हैं। तो इसके फर्स्ट वीडियो के एंड पॉइंट पर रखना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। जैसे हम मीडिया में जाएंगे वही फ़ोटो सिलेक्ट करना है कैप्चर का जो क्लीनली कटआउट हमने किया था। तो इसको मैं सेट करता हूँ, और देखिए दोस्तों मैं इसको अगर इस ये बीच वाला आइकन पे क्लिक करूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन। तो अगर मैं इसे फुल कर देता हूँ देखिए ये फिट बैठ जाता है पूरे जो सीन के साथ, इसीलिए मैंने पिक्सेल प्रो का नाम लिया था। खैर उसको हमें यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको श्रिंकिंग इफेक्ट डालना है वो भी की फ्रेम करते हुए। तो अगर फुल स्क्रीन करते हैं तो ये की फ्रेम नहीं होता, तो उसको ऑफ करना है और मैन्युअली उसको एडजस्ट करना है फुल स्क्रीन करके इस तरह से। उसके बाद दोस्तों वीडियो को एंड तक चेक कीजिए,
थोड़ा सा प्ले करके भी आप देख सकते हैं यानी कि ठीक किस पोजीशन पे हमें जो है श्रिंक इफेक्ट डालना है। वो बाकी का हिस्सा मैंने यहाँ पर काट दिया। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है या फिर आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं, आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये कर लेने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, आपको जब तक आपके वीडियो में सही ना लगे तब तक आप एडिट करते रहिए। तो नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर की वाला आइकन पे क्लिक करना है और वीडियो को थोड़ा आगे लेना है और प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है और साथ ही साथ इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है और उसी के जगह पे रखना है यानी कि जिस जगह पे कैरेक्टर खड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हमें सेम रिपीट करते जाना है एंड तक, छोटा करना है, सेम पॉइंट पे लाना है और इसको बिठाते जाना है जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जब मतलब ये वाला पार्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देता हूँ। और आखिर में हमें ये बहुत ही छोटा कर देना है, पूरा इनविजिबल के बराबर, सॉरी इसको पूरा छोटा कर देना है और उसको पूरा नीचे ले जाना है यहाँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया दोस्तों। जब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देखिए जब हम प्ले करते हैं ये कुछ इस तरह से हो जाता है यानी कि छोटा बन जाता है। तो इसको हमें अभी क्या करना है दोस्तों, इसका डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, नीचे वाले लेयर का बहुत सारा डुप्लीकेट बनाना है, लेकिन उससे पहले इसका कलर जो है हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर इसका अल्फ़ा अपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है 57 तक या फिर उससे थोड़ा सा नीचे, ये परफेक्ट है। उसके बाद कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कलर फिल्टर में भी आप कर सकते हैं। अगर कलर फिल्टर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप दोस्तों यहाँ पर बैक करिए और कलर एडजस्टमेंट जाके ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जैसे कि मैंने ये किया। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इसका डुप्लीकेट बनाना है। आप अपने हिसाब से बनाइए, मैं यहाँ पर 4 डुप्लीकेट्स बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट बनाते जाइए। तो उसके बाद फिर से और एक डुप्लीकेट बनाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है और फिर से और एक डुप्लीकेट। और दोस्तों यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके हमें देख सकते हैं, इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो का जो आइकन है वो भी इस पर क्लिक करके लाया और इसको जो है थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड सेट करते जाना है यानी कि एक वीडियो कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों जैसे कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए, मैंने ये कर दिया। ये कर देने के बाद अभी हम देख सकते हैं इसको फुल स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से जो है ये ट्रांजैक्शन काम करता है। ये देखिए कुछ श्रिंकिंग इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का है। तो चलिए अब इसको जो है हमें सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली हमें जो शेयरिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का आपको दिखेगा। अभी ये कुछ ये कंप्लीट हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, सेव वीडियो टू गैलरी करना है। तो हाई डेफिनेशन में यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए आप अपना कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके पे क्लिक कीजिए और बैक कीजिए सिंपली, और फिर से बैक कीजिए और पहले इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वीडियो में, सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करना है। और आपको ये मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाता हूँ क्योंकि प्रोसीड्यूर सेम है। देखिए दोस्तों वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो दूसरा वाला वीडियो है यानी कि ये वाला, यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं कुछ इस तरह से दौड़ के आता हूँ और यहाँ पर गायब हो जाता हूँ। सेम शूट मैंने वैसे ही किया था, इस पॉइंट पे देखिए गायब हो गया। तो इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा ठीक उसी पॉइंट पे जहाँ पर मैं विजिबल हो जाता हूँ कि उसके एक फ्रेम छोड़ के यहाँ पर मैंने लिया और इसको सेम उसी प्रोसीड्यूर से
जैसे पहले वाले में किया था उसी तरह से हमें करना है। देखिए मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको ताकि टाइम थोड़ा सा मतलब बचे। तो ये करने के बाद देखिए इसको भी सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले को किया था उसी तरह से मैं कुछ ये बना रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों इसको भी सेव कर लिया हमने। तो ये रहा सेकेंड शॉट। अब चलते हैं हमारे तीसरे शॉट के लिए। इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट करना है, मीडिया ब्राउजर पे अभी क्लिक करना है और उसके बाद तीसरा शॉट जो मैंने शूट करने को कहा था मैक्रो शॉट वो ये वाला रहा। ये जो दीवार है इसके ऊपर दौड़ के आना है मुझे। तो ग्रीन स्क्रीन में मैंने वैसे ही उसे शूट किया था, ऐसे उसको मैंने दूसरे एप्लीकेशन से एडिट किया था ग्रीन स्क्रीन पे बदलने के लिए। आप चाहें तो पूरा ग्रीन स्क्रीन में इसे शूट कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है और ये रनिंग वाला जो फुटेज है मैंने इसको रफली बनाया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एंटमैन को मतलब यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो उतना अच्छा भी नहीं होगा ग्रीन स्क्रीन का शॉट तो भी चलेगा क्योंकि बहुत छोटा होने वाला है, वैसे ही इस सबको मतलब ठीक से नहीं दिखेगा। तो उसके बाद देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और पहले इसको छोटा बना लेते हैं और क्रोमा की पे क्लिक करना है, इसको अनेबल करना है और उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है डिटेल्स क्रोमा की डिटेल्स में। मैंने ये कर दिया। उसके बाद दोस्तों प्ले करके देखते हैं ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप चाहें तो और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इसको करके रखा है और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको छोटा सा यहाँ पर प्लेस किया और जब मैं प्ले करता हूँ ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो को और पीछे से मतलब लेके काट देना है। अब मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया, आप अपने हिसाब से मतलब प्लेस कर सकते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। मतलब इसके बाद आपको सेम इसको सेव कर लेना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको मतलब एडजस्ट कीजिए जितना हो सके आप। उसके बाद सेव कर दीजिए यहाँ पर वीडियो और देखिए आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पहले सेव करना है, उसके बाद उसको पार्टीशन करना है एक एक हिस्से में और जूम इन जूम आउट इफ़ेक्ट हर पार्ट में डालना है। तो ये कुछ अलग तरह का लगेगा जैसा पहले मेरा वीडियो में लग रहा था, तो पहले का शॉट जो था। उसके बाद उसको सेव कर देंगे हम। यहाँ पर हाई डेफिनेशन चूज करना है और ये वीडियो जो है सेव हो गया। उसके बाद ओके करना है, सेम बैक करना है और इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर मैंने डिलीट किया। उसके बाद एमपी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और चलना है हमें मीडिया ब्राउजर में एक्सपोर्ट फाइल में और ये जो तीन वीडियो हमने सेव किया उनको पार्ट वाइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक तो ये हो जाने के बाद वीडियो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप इसको सेव करना है, आपको सेव करके उसको एडजस्ट करना है, कैमरे को जूम इन जूम आउट कैसे करना है आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से आपके इफेक्ट को दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर म्यूजिक भी आप अच्छा सा डाल सकते हैं, जैसे मैंने म्यूजिक सिंकिंग वाला इफेक्ट डाला था वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको ऑलरेडी बना के रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं।